सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों आज बनाने वाले हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले, जो दोस्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों करिए वादा आप मेरे साथ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें वेज चाउमीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। वेज चाउमीन बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस करा हुआ एक बड़ा प्याज लिया है, एक मैंने शिमला मिर्च को ऐसे ही लंबे जूलियंस काट लिया है, और बीज इसके निकाल दिए हैं लंबाई में कटी हुई थोड़ी सी पत्ता गोभी, और बहुत ही कम मैंने यहाँ पे गाजर ली है। सब्जियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद है। जैसे कि आप रेड और येलो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, या बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो कट करके ले लिए हैं, फाइन चॉप कर ले। 4 टेबलस्पून मुझे यहाँ पे कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होगी। चाउमीन बनाना है तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा दोस्तों नूडल्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिंग सीक्रेट का वेज हक्का नूडल्स। इससे आपका चाउमीन जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का नूडल यूज़ करें बनाने के लिए। यहाँ पे मैं 2 पैकेट हक्का नूडल्स यूज़ करूँगी। और नूडल्स को बॉयल कैसे करना है फ्रेंड्स, वो भी मैं भी आपको बता दूंगी। अदरवाइज पीछे इंस्ट्रक्शन पूरा लिख के आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं और उस अकॉर्डिंग बॉयल कर सकते हैं। और हम क्विक और ईजी वर्जन बना रहे हैं चाउमीन का झटपट, तो हम यूज़ करेंगे चिंग सीक्रेट का चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। और इस मसाले को डालने के बाद आपको अलग से कोई दूसरे सॉसेज या सॉल्ट वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। तो 1 पैकेट यहाँ पर मैं 2 पैकेट नूडल्स के लिए यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 10 कप पानी रख लिया है, और पानी को हमें बुलबुले आने तक उबालना है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, मैं आपको कढ़ाई में दिखा रही हूँ ताकि आपको कैमरे पे अच्छे से नज़र आए। और अभी बुलबुले आ चुके हैं, तो अभी हम इसमें डाल देंगे अपने नूडल्स, और मैं 2 पैकेट यहाँ पर डाल दूँगी। और अब हम इन नूडल्स को 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे। और उबालते टाइम ध्यान रखिए कि इनको हल्का सा हमें कच्चा छोड़ देना है, बहुत ही थोड़ा सा कच्चा। उससे एक तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, और दूसरा जब हम चाउमीन बनाएंगे तो नूडल्स एक बार और थोड़ा सा पकेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा कच्चा इनको छोड़ देंगे। तो चलिए पहले इनको हम यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो जाने देते हैं। मैंने इन्हें बीच से तोड़ा नहीं है, अगर आपको इतने लंबे नूडल्स नहीं चाहिए तो आप बीच से इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने लगभग इसको 3 मिनट बॉईल कर लिया है, और 3 मिनट बाद नूडल्स जो है वो हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं पककर। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और तुरंत इसे इस गर्म पानी से निकाल देंगे, अदरवाइज ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही नूडल्स हमारे कुक हो जाएंगे, हम एक छलनी लेंगे और उसके ऊपर इनको छान लेंगे। और इन गर्म नूडल्स के ऊपर हम फटाफट से ठंडा पानी डाल देंगे, ये नॉर्मल वाटर है, आरओ वाटर। इससे एक तो चिपकते नहीं है, और ऊपर से इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा, तो ये ओवरकुक नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। सारा पानी निकल जाने के बाद अब हम इसको एक प्लेट में फैला देंगे ताकि नूडल्स आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो यहाँ मैंने इसको बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है जिससे अच्छे से ठंडे हो जाएँ। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल डालने के बाद एक बार इनको अच्छे से आप मिला दें ताकि ऑयल जो है इक्वली सभी नूडल्स पे लग जाए। तो दोस्तों हमने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल। तो दोस्तों तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सभी कटी हुई सब्जियां। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल पका नहीं देनी, गलानी नहीं है, इनका क्रंच बचे रहना चाहिए। बस थोड़ा सा कच्चापन इनका चला जाए, इसलिए हम फ्लेम हाई रख रहे हैं और लगातार इनको पलटते भी रहेंगे। तो बस 2 मिनट सौटे कर लें आप अच्छे से इसको। तो दोस्तों करीब 2-2.5 मिनट मैंने इसको पका लिया है, और इतने में हमारी सब्जियां हैं जो हैं वो हल्की नरम हो गई हैं, पर उनका क्रंच बरकरार है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स। और दोस्तों फटाफट से नूडल्स हमने मिला दिए, और इसके बाद हम डालेंगे चिंग सीक्रेट चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। तो मैं फटाक से इसको कट कर लेती हूँ, और झटपट से मसाला हम इसमें मिला देंगे।
दो पैकेट चिंग्स हक्का नूडल्स के लिए हमने एक पैकेट यहाँ पे चिंग्स चाउमीन हक्का नूडल मसाला लिया है, और मसाला डालने के साथ ही मैं 2 से 3 टेबलस्पून करीब इसमें पानी डालूंगी। और मसाले के बाद हमने जो 2-3 टेबलस्पून पानी डाला है वो हमने इसलिए डाला है ताकि मसाला इक्वली हर जगह अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों, जो हमने इसमें चिंग सीक्रेट चाउमीन हक्का नूडल मसाला डाला है उसमें सॉल्ट भी आता है, तो आप अलग से सॉल्ट बिल्कुल मत डालिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आते हैं और आप देख सकते हो कितनी जल्दी फटाफट से 2 मिनट में बन के रेडी हो गया है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा झटपट से वेज चाउमीन बनके रेडी है। आप चाहें तो इसको कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन से डेकोरेट कर सकते हैं, ये अच्छा टेस्ट भी देता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो मैंने जो स्प्रिंग ऑनियन के पीसेस काट के रखे थे वो भी इस पर डाल दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की ये झटपट वेज चाउमीन रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस। और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।